जा रहे थे, पाछे से बस चाबी छीनने के प्रयास किया, उसके बाद कहा माधर चो तू गड़ी छो, लगा मारने मारने लगा, उसके बाद फायरिंग लगा करने, माथा में फायरिंग किया, फिर ने फायरिंग किया, तीन चार जगह फायरिंग फटाफट कर दी, हम लगे चिल्लाने बस भाग गया। तो काचे से था कौन करो है? अच्छा, काचे से था वो लोग? आए वो लोग काचे से था? गाड़ी से था। कौन गाड़ी थी? अपाचे था, हरियर। हरियर हाँ। क्या गाड़ी से था वो लोग? एगो गाड़ी से। एगो गाड़ी पे क्या सवार? तीन गो। सबके हाथ में था रिवॉल्वर का? आए सबके हाथ में था पिस्टल का? हाँ, एगो के था, आप पिस्टल नहीं देखे हम सब। अच्छा, क्या गाड़ी उड़ी छिन रहा था क्या? जी जी, पटक के गाड़ी में आएगी छिंडा है। आप कई आदमी से थे? हम अकेले थे सर। अच्छा, क्या हुआ है सर? आज का सुबह का बात है, 4:30 बजे का मामला है। NH 22 में पुलिस से और आगे टाटा के पास पश्चिमी लेन में अपने भाई को स्टेशन पर छोड़ रहे थे। भगवानपुर जाने शर्मा गाँव के रहने वाले थे, अपने घर लौट रहे थे आमिर इस्लाम जी। उनको एक संजय से तीन व्यक्ति आकर पीछा करते हुए दो गोली मारा है, एक पेट में लगा है, सिर में लगा है, जख्मी हो गया। इलाज के लिए उनको पटना भेजा गया है लोकल इलाज के लिए, और उनका मोटरसाइकिल मोबाइल वगैरह सब उनके पास में पड़ा हुआ पाया गया था। जख्मी हालत में रोड के किनारे पड़े हुए थे। सदर थाना की गश्ती गाड़ी आई है तो उनको देखा तो इलाज कराने के लिए सदर हॉस्पिटल ले गया था, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए क्लिनिक से भेजा गया। अभी घटना का कोई कारण पता नहीं चल पाया है, उनके परिजन लोग आने के बाद ही कुछ स्पष्ट पता चल पाएगा क्या हुआ। बाइक बच गया सर? हम बाइक, उनका सारा सामान सब वहीं पड़ा हुआ था, कहीं कुछ लेने की बात नहीं आ रही है सामने में। खुल गया है बिहार का सबसे भव्य यामाहा शोरूम, अब अपने हाजीपुर दिघी में, जहां उपलब्ध है सबसे आधुनिक सर्विस एवं यामाहा की सभी बाइक और स्कूटी फाइनेंस की सुविधा के साथ।